सवेरे उठते ही आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि बुकबुल नहीं रहे, राकेश झुनझुनवाला जी नहीं रहे। तो ये न्यूज़ आपके लिए शॉकिंग था, मेरे लिए डबल शॉकिंग था, क्योंकि मैंने रात में ही राकेश झुनझुनवाला के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने शेयर किया हुआ है कि कैसे म्यूचुअल फंड्स और बड़े बड़े वेल्थ मैनेजर उनके ऊपर क्या राय रखते हैं। और सवेरे उठते ही ये न्यूज़ मैं शॉक हो गया, और कल रात उनके बारे में पढ़ रहा था और अभी। तो चलिए, मैं जो ब्लॉग बनाया हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रसाद और आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग में। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रशांत जैन। प्रशांत जैन के बारे में अगर आपको पता नहीं है, HDFC म्यूचुअल फंड को अभी उन्होंने छोड़ा, तो बहुत ही शानदार रहा उनका रिटायरमेंट। अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में पता है, लोगों ने कभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो HDFC टॉप 200 म्यूचुअल फंड के बारे में सभी ने सुना होगा। 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत ही फिनोमिनल रिटर्न। ये राकेश झुनझुनवाला जी और दूसरे बड़े सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर इनका राय है कि रिटेल इन्वेस्टर को दो बार सोचना चाहिए जब कभी भी सेलिब्रिटी के जो स्टॉक्स पिक हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जा रहे हैं। तो हो सकता है वो जो स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो बहुत लंबे अवधि के लिए हो या शॉर्ट अवधि के लिए हो, उनका माइंडसेट आपको पता नहीं है। आप अगर खरीदते हो तो पूरा बैकग्राउंड चेक के खरीदो, ऐसा मत करो कि उन्होंने खरीदा है तो आपने खरीद लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। तो ये था इनका राय। प्रशांत जैन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो उनके बारे में पढ़िए, और ये जो कमेंट उन्होंने दिया है बिजनेस स्टैंडर्ड में लास्ट डे, कल ही उन्होंने दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें तो विवेक बजाज, इनके बारे में बता दूं, स्टॉक एज एक ऐप आता है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो करके देखिए, बहुत ही फिनोमिनल ऐप है। इसमें आपको फाइनेंशियल फिल्टर आ जाता है और टेक्निकली भी आप फिल्टर कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर स्टॉक सिलेक्शन के लिए इसका जो लॉक इन चीज़ें हैं उनको आप यूज़ करोगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन फ्री में इतने सारे इन्फॉर्मेशन ये ऐप दे रहा है, इसमें इनका बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका क्या होता है ना, मेगा ट्रेड के बारे में अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये पीछे भी नहीं हटते, जाते हैं मैनेजमेंट के साथ बात कर लेते हैं, जिनसे उनको और भी क्लैरिटी मिलता है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, मैनेजमेंट आने वाले सालों में क्या क्या प्रॉफिट्स बनाने वाले हैं या लॉसेस बनाने वाले हैं, ये आइडिया हो जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़ा पीछे रहे क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट से मिलने का मौका नहीं होता, ठीक है। अगर मैनेजमेंट के बारे में आपको आइडिया जानना है तो आप रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे कमेंट में कहते हैं, जब वो स्टॉक्स खरीदते हैं तब उतना न्यूज़ नहीं आता, लेकिन जब न्यूज़ आता है तो स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागता है। तो आप रिटेल इन्वेस्टर जब न्यूज़ आता है तब खरीदते हो तो बहुत ही प्रीमियम में फंसते हो। तो इनका भी यही कहना है कि आप उनके साथ कंपेयर ना करें और उनका स्टॉक्स लेने के वक्त बार बार सोचें। फोर्थ में आते हैं हमारे विशाल धवन, जो वेल्थ एडवाइज़र, ये CFP है, वेल्थ एडवाइज़र में ये बहुत ही अच्छे नोन पर्सन है, टीवी में भी बहुत बार आ चुके हैं। इनका कमेंट है राकेश झुनझुनवाला जी के ऊपर और नए सेलिब्रिटीज इन्वेस्टर्स जो हैं उनके ऊपर, आपको उनके स्टॉक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हैं, ये अच्छा है ध्यान में रखें, ना कि इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगर मार्केट गिरता है तो उसके ऊपर होमवर्क कर सकते हो, तो स्टॉक सिलेक्शन का, मैनेजमेंट एनालिसिस का, ये सब पार्ट आपको नहीं करना पड़ता है, ठीक है। दूसरे कमेंट में ये कहते हैं कि आप जब वो खरीदते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए वो कितने खरीदे हैं, हो सकता है 2 करोड़ 50 करोड़ या फिर 200 करोड़ के शेयर्स खरीद रहे हैं, लेकिन उसके पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं होता, बहुत छोटा अमाउंट होता है वो, लेकिन हमको लगता है कि इतना बड़ा अमाउंट का खरीद रहे हैं तो आगे कुछ होगा। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उनका पोर्टफोलियो साइज कितना है और उनमें से वो कितना परसेंट, कितना डेसिमल परसेंट वो शेयर खरीद रहे हैं। तो आप कभी भी उतना बुलिश ना हो जाइए जो कि सेलिब्रिटी लोग जब कोई स्टॉक्स खरीदते हैं। उसके बाद आखिर में आते हैं सुरेश जी के पास, इनका लैडर 7 का एक एडवाइजरी पोर्टल है, बहुत लोगों, ये भी एक CFP है। तो आप सेलिब्रिटी के स्टॉक्स को ना खरीदें ये रिकमेंड करते हैं अपना। अगर सेलिब्रिटी को आप फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लेयर बने, क्योंकि ये जो सेलिब्रिटी स्टॉक्स खरीदते हैं हो सकता है 2-4 क्वार्टर में प्रॉफिट आना हो, इसलिए कोई शेयर्स भी ले लेते हैं।
तो आने वाले समय में उन्होंने जो स्टॉक्स खरीदा है, कम समय के लिए खरीदा है या ज्यादा समय के लिए खरीदा है, वो माइंडसेट आपको पता नहीं। आप अगर उसको खरीद लेते हो आगे जाके फंस जाते हो। तो इनका ये कहना है कि हाँ, आप अगर कोई स्टॉक लेते हो, सेलिब्रिटी इन्वेस्टर है, तो उनके पोर्टफोलियो ट्रैक करें, वो स्टॉक को रैडार में रखें, और जब वो अच्छे प्राइस में मिले तो उसको खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते। ये चार लोग थे दिग्गज जो सेलिब्रिटी इन्वेस्टर खास करके राकेश झुनझुनवाला के ऊपर ये राय रखते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर कंटेंट आपको कुछ पसंद आया है और आगे आपको लोगों के साथ शेयर करने के लिए अच्छा लग रहा है, तो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।